इसे तमाम प्रोस्पेक्ट को आप वन टू वन करके फिर उसके बाद इसमें लाया करें जी। इच्छा भी आप प्रोग्राम को रन करें, आपको सारी डिटेल बता दी है, बिस्मिल्लाह करें नाशिफ जी, उसके बाद फिर प्रोग्राम को रन करें जी। ठीक है सर, मैं नाज शरीफ पढ़ता हूँ फिर आगे स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह हाले दिल किस को सुना आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए आका जी आपके होते हुए मैं गुलामे पंजतन ये मेरी पहचान है गोलामे पंजतन हूँ ये मैं पहचान है मेरे गया आपके होते हुए मेरे घर आलाम आए आपके होते हुए मेरा सब कुछ ही आका आप है सिर्फ आप हैं मेरे तो सब कुछ ही आका आप हैं सिर्फ आप हैं और लोग लोकी से लगाओ आपके होते हुए आले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए आले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। जज़ाकअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का बकायदा से आगाज़ करते हैं नाज़ शरीफ और तिलावत शरीफ के बाद। आज के सेशन में होम पार्टी में तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और अपने सेशन की तरफ चलते हैं आगे मजीद। तो अब मैं चाहूंगा कि पहले वन बाय वन अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम है एहतिशाम हफीज और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रावलपिंडी से है और इस सिस्टम में तकरीबन 3 से 4 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने इस सिस्टम का आगाज किया और इस सिस्टम ने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की और अपनी फैमिली के हेल्थ को मेंटेन किया और मजीद ये कि पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हुई। तो अब मैं मजीद चाहूंगा कि अपना अपना वन बाय वन इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि आगे हम सेशन को लेके चले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद सर मेरा नाम है और गुजरात से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब किया करता था फोन इंडस्ट्री में।
मुझे सीनियर राणा तारिक साहब हैं, उन्होंने मुझे हैदराबाद स्टेशन पे इसकी प्रेजेंटेशन लिए थोड़ा सा गाइड किया, मैंने फिर इस सिस्टम को समझा सीखा और हम और ना वो मेरे साथ स्टडी भी करती है माशाल्लाह। पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में लोग जो है ना वो टीम जो स्टडी कर रही है मेरे साथ। जबरदस्त है, जबरदस्त सबर, वेलकम करते हैं जी आपको माशाल्लाह गुजरात से आप। जी नेक्स्ट एक एक मिनट का अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। जी राणा तारिक इस्लामाबाद से, सीनियर सेल्स डायरेक्टर टाइम्स में, और मुझे टाइम्स में 18 साल मुकम्मल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कामयाबियां समेट चुका हूं सिरे से। और जीरो बन के हम जी सिस्टम के साथ अपने आप को ना अब बिल्ड कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टम हमें मिला है, तो जी सिस्टम के तमाम कानून कायदे जो है अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो है दिन रात जो है वो कोशिश है। तो जबरदस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे वार्ड हासिल कर चुका हूँ और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ। थैंक यू मच। वेलकम करते हैं जी, वेलकम करते हैं सर आपको, अपनी भरपूर क्लैपिंग वेलकम करते हैं आज के सेशन में। जी नेक्स्ट नेक्स्ट सोर्स इंट्रोडक्शन करवाते जी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बस एक एक मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें वन बाय वन ना, फिर आगे हम सेशन को लेके चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और सिस्टम में सेल्स डायरेक्टर हूं और 2002 से इस सिस्टम के साथ वाबस्ता। माशाल्लाह वेलकम जी, वेलकम करते हैं जी उबैद साहब को, वेलकम जी। आगे जी तौहीद साहब और काशिफ साहब रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम, काशिफ बात कर रहा हूं गुजरात से। वालेकुम सलाम जी काशिफ। टाइम्स के प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्राइवेट एक जॉब कर रहा हूं गवर्नमेंट के इदारे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और टाइम्स का प्लेटफॉर्म जो है ये यूज मुझे मुतारफ करवाया गया सबर साहब से, और सबर साहब के बाद राणा तारिक साहब के बहुत ज्यादा काफी इसमें शामिल हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तफैल से हमें कामयाबी का मेटने की तौफीक अता करे। जबरदस्त वेलकम करते हैं जी काशिफ भाई आपको भी, जबरदस्त जी। आगे तौहीद भाई, तौहीद भाई अपना इंट्रोडक्शन करवा दें छोटा सा। जी तौहीद भाई आप सुन पा रहे हैं, आवाज क्लियर है आप तौहीद भाई? सबरल आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह तमाम आज के इस सेशन में जितने भी दोस्त काल के आए और इस होम पार्टी में अपनी जो उनसे पार्टिसिपेशन की उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और भरपूर क्लैपिंग में वेलकम करते हैं जी तमाम दोस्तों को, भरपूर क्लैपिंग में सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो आगे चलते हैं जी, हमारे सेशन का टाइम हो चुका है तो अब मजीद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा कंपनी प्रोफाइल है और कंपनी प्रोफाइल के लिए मैं दावत स्टेज दूंगा गुजरात से हमारे प्लैटिनियम कंसल्टेंट जेन्युइन लीडर के लीडर जो है मोहम्मद सवर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, वो आए और कंपनी प्रोफाइल प्रेजेंट करें। भरपूर क्लैपिंग में वेलकम कीजिएगा सवर भाई। जी बहुत शुक्रिया श्याम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया, और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया। जी डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद ना अगला और हमारा जो अहम प्रोग्राम होता है ना वो होता है कंपनी प्रोफाइल के बारे में ना। तो कंपनी का इंतखाब 10,000 कंपनी में से मैंने टाइम्स ग्रुप का क्यों इंतखाब किया ना, और आप इसका इंतखाब करने क्यों जा रहे हैं ये हम स्लाइड में बताएंगे, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे ना। तो एक दफा शाम भी अगर ये शेयर कर दें जरा तो। जी जी
सर भाई असल में मैं मैनेज करूँ ना जरा, वो फिर उसमें ना माइक का मसला हो जाता है, माइक म्यूट अनम्यूट करने में ना। काशिप भाई आप के पास है या मैं? काशिप भाई शेयर कर दें, काशिप भाई अगर पॉसिबल है तो पीपीटी शेयर कर दें। काशिप भाई, काशिप भाई आवाज आ रही है? जी तस्वर भी माशाल्लाह खुद आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जबरदस्त। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर भी शो हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हो गई है शेयर। चलें जी स्टार्ट करें। जी ठीक हो जी, अपना टाइम्स ग्रुप ग्लोबल टाइम्स जो है ना, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप मामूली सा काम भी तजर्बाकार लोगों से करवाते हैं ना, जैसे आप कपड़े तजर्बाकार दर्जी से बनवाते हैं, इसी तरह बाल कटवाने के लिए तजर्बाकार हजाम के पास जाते हैं। आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए टाइम्स ग्रुप के पास ना 25 साल से 28 साल का तजर्बा है, जो कामयाब तजर्बा है ना। ठीक है, कंपनियां अपने विजन पर चलती हैं और टाइम्स ग्रुप का विजन सेहतमंद और खुशहाल मुआशरा बनाना है। इस वजह से हमारी कंपनी चंद सालों में टॉप 100 में शामिल हो गई है ना, और इसका सालाना कारोबार 1,55,00,000,000 तक पहुंच गया ना। ठीक है, अपने बड़े विजन के साथ विजन के तहत टाइम्स ग्रुप कम मुद्दत में 110 ममालिक में पहुंच गया है, और आप टाइम्स ग्रुप का हिस्सा बनकर 110 ममालिक में अपना कारोबार फैला सकते हैं। इसी विजन के तहत दुनिया में इस वक्त 4 करोड़ से ज्यादा लोग इससे खानदान जो है ना, 4 करोड़ से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और ये साथ में आपको नीचे नजर आ रही होगी कि टाइम्स की वेबसाइट भी है, आप इस पे भी अगर इसको रिसर्च करना चाहे, तहकीक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। जी तो कंपनी के बारे में हम बताएंगे कि इंटरनेशनल टाइम्स का इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क जो है, ये बहुत बड़ा पार्क है। 4 करोड़ लोगों ने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया ना, और आप टाइम्स ग्रुप को क्यों ज्वाइन करने क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह टाइम्स ग्रुप का बैन अलावामी चलता हुआ मजबूत कारोबार है ना। अब हम कोई भी कारोबार शुरू करें तो हमें पहले उसकी बर्थ का पता होना चाहिए कि ये कारोबार चलता चलाया, ये एक कामयाब बिजनेस है, तो उसके साथ हम खुशी महसूस करेंगे उस कारोबार को ज्वाइन करने के लिए ना। टाइम्स ग्रुप ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत के मियार को और कारोबार को मजबूत बनाने के लिए टाइम्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है ना। ठीक है, दुनिया की किसी भी हेल्थ की कंपनी ने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बनाया, और पिछले कई सालों से बैन अलावामी सतह पर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ये चाइना के शहर टियानजिन में वाकया है। 1,86,25,50,00,000 की लागत से ये तामीर हुआ है। इतना बड़ा ये इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किया जिसपे इतनी लागत आई है ना,
इसकी लंबाई और चौड़ाई 3,38,000 मुरब्बा फिट है, जिसको देखने के लिए कम अज कम एक हफ्ता दरकार होता है ना, ठीक है। ये सॉरी 3,80,000 मुरब्बा फिट है ना, 3,80,000 मुरब्बा फिट है ये, और इसमें इंतहाई नफीस और शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसका शुमार दुनिया के चंद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। हमारे पास व्हाइट हाउस से भी बेहतर बैंक्वेट सेंटर है, जिसकी जिसमें बियक वक्त यानी कि बियक वक्त 3,000 लोग बैठ सकते हैं। हमारे पास बगैर पिलर के कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि हमारा ये आपको गोल नजर आ रहा है, तो हमारे पाकिस्तान में जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें भी 2,000 से 2,500 लोग जो है ना वो बैठ सकते हैं, लेकिन टाइम्स का जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है उसमें 7,000 से ज्यादा लोग जो है ना वो बैठ सकते हैं। और इसका छत ऊपर से बिल्कुल खुल सकता है ना, इसके अंदर टाई जी सन हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर भी है, जो लाइफ साइंस और सेहत की बका के असूलों को वाजा करता है। इसके अंदर 5 स्टार और 7 स्टार होटल भी मौजूद हैं, जिसमें हम 8 प्रेसिडेंट और 80 मिनिस्टर और 4,600 लोगों को एक ही वक्त में मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा हाल है कि जिसमें इतने ज्यादा लोगों को यक वक्त जो है ना यक वक्त मैनेज किया जा सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसमें ना। हमारी यूनिवर्सिटी आरडी है, जिसकी 3.2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें 3,000 तालबिल्म तालीम हासिल कर सकते हैं, और ये एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर मजमून पढ़ाया जाता है, और 50 से जायद अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करवाई जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से तालब इल्म पढ़ते हैं, जिसकी प्राइमरी जबान इंग्लिश है। टी टाइम्स हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क आपके कारोबार को मुख्तलिफ जतनों में मजबूत बुनियाद फराहम करेगा और आप कई नस्लों तक जारी रहेगा। यानी कि जिस अदारे के साथ आप मुंसलिक होने जा रहे हैं उसकी वर्थ आपको बताई गई है कि इसके यूनिवर्सिटी अपनी है, हॉस्पिटल अपने हैं, कन्वेंशन सेंटर अपने हैं, तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है जिसके साथ आप मुंसलिक होने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी और इसके बाद सेशन आएगा जो हेल्थ का होगा, उसको प्रेजेंट करने के लिए श्याम भाई आपको बताएंगे कि किसको इनवाइट करना है। तो यहाँ पे एक वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क जो हम बता रहे हैं वो वाकई चीजें हैं या सिर्फ सुनी सुनाई हैं। जी श्याम भाई जी, सवर भाई आपने प्रोफाइल भी वीडियो भी दिखानी है इसकी या सिर्फ ये स्लाइड्स प्रेजेंट करनी? ठीक है सर, भी ठीक है, स्लाइड्स काफी है, वीडियो फिर ठीक है सर, चलिए वीडियो फिर करेंगे, ठीक है आगे चलते हैं। जी सर, माशाल्लाह जी, ये हमारे तसव्वुर साहब थे कि जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कंपनी प्रोफाइल प्रेजेंट किया और बड़े जामिया तरीके से और बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने माशाल्लाह प्रेजेंट की। भरपूर क्लैपिंग में इनको जो उनसे हम वेलकम बैक करते हैं। सौर भाई ने जबरदस्त प्रेजेंट किया, कंपनी प्रोफाइल सौर भाई जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह। और उम्मीद आपको कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्थ की के लिए जी मैं दावत से देने जा रहा हूँ हमारे मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी जेन्युइन लीडर सर राणा तारिक साहब SSD सीनियर सेल्स डायरेक्टर जी। काशिफ जी स्लाइड्स शेयर कर दी। जी सर मैं कर रहा हूँ जी, हमारी कंपनी
हमारी कंपनी आपको जो है दो चाबियां ऑफर करती है, एक चाबी से हम सेहत के दरवाजे खोल सकते हैं, दूसरी चाबी से हम खुशहाली के दरवाजे खोल सकते हैं। तो हेल्थ की जो है वो मुझे आपको प्रेजेंट करना है, और इंशाल्लाह वेल्थ की के बारे में आप जो कि गुजरात से है वो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारी वो आई और हेल्थ की को प्रेजेंट जी जी मैं आपको हेल्थ की के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट क्या है और उन प्रोडक्ट से आप अपनी फैमिली को कैसे फायदा दे सकते हैं। खास तौर पे अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा आलमी जो है लेवल पे इसने पूरी दुनिया को की तवज्जो हासिल कर लिया, बल्कि पूरी दुनिया में इससे नुकसान हो रहे हैं, और इस वक्त जो है हर आदमी ये कह रहा है कि इस वायरस से कोई नहीं बचेगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाया जाए ना। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का बहुत ज़बरदस्त जो है वो सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, अपने हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है वो टाइम्स की प्रोडक्ट नज़र आ रही है, फूड सप्लीमेंट डिवाइसेस नज़र आ रही है। तो टाइम्स ग्रुप ने आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हेल्थ अपॉर्चुनिटी का इंतखाब क्यों किया ना, इसके जवाब के लिए मैं आपको अमेरिका के माहिर माशियात मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्ज़र का बयान सुनाना चाहता हूँ। मिस्टर पॉल ज़ेन पिल्ज़र कहते हैं कि सेहतमंदी की इंडस्ट्री आईटी के बाद तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री बन रही है। इसकी तरक्की करने की रफ्तार ने तमाम इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री जो है ये सेहतमंदी की इंडस्ट्री है ना। अच्छा, तो अभी जो कोरोना वायरस का मसला आया है, तो इस कोरोना वायरस के अंदर इस इंडस्ट्री ने, सेहतमंदी की इंडस्ट्री ने, जिसको वेलनेस इंडस्ट्री भी कहती है, इसने और ज्यादा तवज्जो हासिल कर ली है। तो देखा जाए ये कोरोना वायरस जो है वो आपकी और हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जी नेक्स्ट स्लाइड कर दें, आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें जी। जी थैंक यू। टाइम्स ग्रुप आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो हेल्थ कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाने जा रहा है, इसकी वजाहत से पहले हम आलमी इदारा सेहत WHO जो है आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया में सेहत के अदादोशुमार पर बात करते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये आपको चार्ट नजर आ रहा है, सेहतमंद लोग जो है ये 5% है, ये आपको 5% लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो नीम सेहतमंद लोग हैं ये 75% है, जी सेहतमंद लोग 5% हैं। जी काशी भी स्क्रीन शेयर कर दें आप। जी सेहतमंद लोग 5% हैं। अब ये 5% लोग कौन है, सेहत की तारीफ क्या है? सेहत की तारीफ है कि वो इंसान जिसका जिस्म मुकम्मल सेहतमंद हो, जो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो, जो जहनी तौर पे सेहतमंद हो, और जो माली तौर पे सेहतमंद हो, और जो माशरती तौर पे भी सेहतमंद हो, उस इंसान को हम सेहतमंद इंसान कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है रेड वाली आपको नजर आ रही है, ये वाली कैटेगरी 75% है, ये सब हेल्थी है, ये नीम सेहतमंद इन्हें कहा जाता है, कभी सेहतमंद कभी बीमार। और उसके बाद 20% लोग हैं जो कि बीमार लोग हैं। तो अब हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है, ये जो 20% लोग हैं इन लोगों की बीमारी को खराब होने से रोकना है, और फिर इनके ऊपर हेल्थ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इनकी बीमारी को खराब होने से रोकना है, और इनको मुंतकिल करना है 75% लोगों में, और फिर जो 75% लोग हैं इसके ऊपर हेल्थ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इनको 5% में लेके आना है, और जो 5% लोग हैं उनकी हेल्थ प्रिजर्वेशन करनी है, हेल्थ को, सेहत को महफूज करना है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है और एक बहुत बड़ी काज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड कर दें जी काशी, अगली स्लाइड कर दें जी। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जी हेल्थ कॉन्सेप्ट हम जो है वो बताने जा रहे हैं। आए अब हम टाइम्स ग्रुप के हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, ये कौन सा हेल्थ कॉन्सेप्ट है कि जिसको अप्लाई करके ना सिर्फ आप सेहतमंद हो सकते हैं, बल्कि अभी जो कोरोना वायरस का जो इशू है इससे भी आप अपनी फैमिली को जो है वो सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, अपने जानने वालों की फैमिली को सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें सबसे पहले ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसमें एक आदमी बना हुआ है जिसे जिस्म से एरो बाहर जा रहे हैं ना, तो ये पहला स्टेप है।
पहला मरहला क्या है, जिस्म की सफाई है। इसका मतलब जिस्म से वो गैर जरूरी अज्जा को निकालना है जो किसके जरिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सबसे पहले हवा, उसके बाद खुराक, उसके बाद पानी, उसके बाद अद्वियात और उसके बाद लाइफस्टाइल। ठीक है, इनकी मदद से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, अंदरूनी सफाई के हवाले से हमारी कंपनी ने 5 प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, सप्लीमेंट 4 बनाए हैं, सप्लीमेंट जो है वो 4 बनाए हैं, जिसमें से 1 चिटासन है जिसको क्लिंजर कहा जाता है, और 3 डिटॉक्सिफायर है जो कि लिपिड मेटाबॉलिक टी है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है और सेल रिजुवेनेशन है। यानी कि 1 क्लिंजर है, अब ये फूड सप्लीमेंट की बात करें, और 3 डिटॉक्सिफायर है। उसके अलावा फिर आपको ये ओजोन नजर आ रही है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, एयर प्योरीफायर नजर आ रहा है, ये आपकी कमरे की हवा को साफ कर देगा। उसके अलावा आपको ये काशी भी स्क्रीन शेयर कर दे दोबारा। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो है वो नजर आ रहा था वाटर प्योरीफायर नजर आ रहा था। तो वाटर प्योरीफायर भी जो है वो पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हम जिस्म की सफाई करेंगे। जिस्म की सफाई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किया करते थे जी। हमारे जैसे आप देखें, आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाते हैं, क्यों ट्यूनिंग करवाते हैं? ताकि उसकी इंजन की लाइफ ज्यादा हो और वो जो है लंबा अरसा चले। तो इसी तरह हमारे जिस्म की भी सफाई बहुत जरूरी है, और ये हमारा गलत ख्याल है कि हम जिस्म की सफाई नहीं करेंगे और हम सेहतमंद जिंदगी गुजार लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस्म की सफाई करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, ये जिस्म की सफाई से सेहत का आगाज करता है कि जब तक जिस्म के अंदर जहरीले मादे होंगे आप अच्छी सेहत पा ही नहीं सकते। और उसका क्या नुकसान होगा, आप जो खुराक खा रहे हैं वो आपकी खुराक जुज़्वे बदन नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जिस्म की सफाई करना जो है वो बहुत जरूरी है जी। काशी भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? तो चलिए, जब तक काशी भी स्क्रीन शेयर करती, मैं आपको सफाई के बारे में मजीद थोड़ी वजाहत कर दूं। चलिए, हमें टाइम मिल गया। देखिए, हमने बात की कि हवा से हमारे जिस्म में जहरीले मादे आ रहे हैं, कैसे? देखिए, आपने सांस लिया, आपने सांस निकाल दिया, हवा ली, हवा निकाल दी, मुंह नाक से सांस लिया, मुंह से निकाल दिया। अब इस हवा में जो भी पोल्यूशन था, जो भी जहरीले मादे थे, जो भी चीजें थी, डस्ट था, जो पोलन थी, जो भी था, वो आपके जिस्म के अंदर रह गया। आपने देखे, पानी पिया, पानी निकाल दिया, अब उसके अंदर जितने भी जहरीले मादे थे वो आपके अंदर रह गए। आपने खाना खाया, अब खाने के ऊपर क्या है, स्प्रे का असरात है, फर्टिलाइजर के असरात है। ठीक है, वो क्या हुआ, खाना खाया, खाना निकल गया, ये जो स्प्रे और फर्टिलाइजर के असरात थे ये आपके जिस्म के अंदर रह गए। आपने मेडिसिन खाई, मेडिसिन निकल गई, लेकिन स्टीराइड अंदर रह गए। तो अब ये क्या है, ये मुख्तलिफ, फिर रेडिएशन भी हम रहते हैं। इस वक्त आप भी जो है वाईफाई की एरिए में है, मैं भी वाईफाई की कवरेज में हूँ, इससे भी हमारे जिस्म को रेडिएशन आ रही है। हमारे सामने भी लैपटॉप है, मोबाइल है, इससे भी हमें रेडिएशन आ रही है। तो अब ये सारे जहरीले मादे अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कंपनी जो है क्लिंजिंग में दुनिया की टॉप कंपनीज में ये आती है कि हम अपने जिस्म से जहरीले मादे सारे निकाल दें। उसके बाद रेगुलेटिंग है, रेगुलेट करना है अपने जिस्म का हमने तवाजन जो है वो बराबर करना है, उसको रेगुलेट करना है। ये देखिए, आदमी नजर आ रहा है येलो कलर का, और इसने 2 बॉल्स पकड़ी हुई है, ये बैलेंस कर रहा है। इससे क्या जाहिर हो रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? बैलेंस टू द ऑल बॉडी सिस्टम्स एंड ऑर्गन। अब इसमें हमने क्या करना है, कुल हमारे जिस्म में अल्लाह ने 11 सिस्टम बनाए हैं, आप सब जानते हैं, और हमारे ऑर्गन बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाइनीज तरीके इलाज में 5 ऑर्गन में लिए जाते हैं। कौन कौन से है? दिल है, जिगर है, किडनी है, फेफड़े है और गुर्दे हैं, लीवर, लंग्स, किडनी, स्प्लीन और हार्ट। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 11 सिस्टम और 5 ऑर्गन को हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, एक है टीएनसी स्पारोलिना जो कि एक ग्रीन एलजी है, समुद्र से निकाली जाती है, दूसरा है कॉर्डिसेप जो कि तिब्बत के पहाड़ों से पाई जाती है। तो ये दोनों इम्यून बूस्टर है। और उसके अलावा फिर ये जो है आपको डिवाइस नजर आ रही है, इसका नाम BCM है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। तो BCM जो है इंडिया इसमें जो है पाकिस्तान से कहीं आगे है। इंडिया के अंदर ये BCM जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे जिस्म को बैलेंस कर रही है। उसके बाद फिर आपको ये ब्रेसलेट नजर आ रही है, तो ये ब्रेसलेट मैंने भी पहनी हुई है, आपको नजर आ रही है।
तो ये ब्रेसलेट आप पहनेंगे, एक तो आपको ये एनर्जाइज कर देगी आपके सेल्स को, दूसरा ये है रेडिएशन और केमिकल के साथ से आपके जिस्म को जो है वो सेव कर देगी। तो उसके अलावा फिर ये बीपी बैलेंसर है, बस हमने कंघी कर ली है सर के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है ये उसको बैलेंस कर देगा। तो दूसरे स्टेप में हमने जिस्म को रेगुलेट कर दिया। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने जिस्म की सफाई कर ली और जिस्म को हमने रेगुलेट भी कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरा और अहम कदम है, ये जिस्म को मजबूत बनाने के बारे में है। अब हमने जिस्म को मजबूत बनाना है। अच्छा, यहाँ पे हम मजबूत कैसे बनाएंगे, सप्लीमेंट मिनरल्स दैट वी डोंट गेट फ्रॉम अवर फूड बिकॉज अवर फीडिंग कल्चर, कुकिंग स्टाइल और टेस्ट ऑफ, हाँ तो अब क्या जो हमारा कुकिंग स्टाइल है इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जाया कर देते हैं। रिप्लेनिशिंग में हमने क्या करना है, रिप्लेनिशिंग में हमने करना है कि जिस्म के अंदर वो गजाएं जिनकी कमी पैदा हो गई है उनको पूरा करना है, वो गजाएं जिनकी ज्यादती हो गई है उसको हमने पूरा करना है। तो इसमें हम कमी और ज्यादती को बैलेंस करेंगे। तो रिप्लेनिशिंग जो है ये बड़ी प्यारी तारीफ करती है बीमारी की, बीमारी के सिर्फ दो वजूहात हैं, एक वजह है गिजा की ज्यादती, इस वजह से बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, आपने जरूरत से ज्यादा गिजा खा ली इसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक, फॉलिज, ब्रेन हेमरेज, मोटापा, ये बीमारियां नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, आपने जरूरत से ज्यादा गिजा ले ली। और दूसरी है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी होना, तो कमी होना भी बीमारी है, ज्यादती होना भी बीमारी है। रिप्लेनिशिंग में हम क्या करते हैं, जो ज्यादती है उसको बैलेंस करते हैं, जो कमी है उसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें जिस्म क्या होता है, जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। तो ये तीन स्टेप हैं हमने अप्लाई किए। सेंटर में आपको देखिए पर्पल कलर का बंदा नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब ये सेहतमंद हो गया। इसका क्या मतलब है, हमने इसकी हेल्थ को प्रिजर्व कर दिया। इसकी हेल्थ को कौन प्रिजर्व किए रखेगा, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, ये तीन स्टेप हम करते रहेंगे। ये तीन स्टेप क्या करेगा, ये तीन स्टेप इसकी इसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, हेल्थ को प्रिजर्व करेंगे। तो अभी जो है कोरोना वायरस का जो इश्यू है, ये तीनों स्टेप हम अपनी फैमिलीज के ऊपर अप्लाई करके हम अपनी फैमिली के गिर्द इन तीनों चीजों की बाड़ लगा सकते हैं। ये सिक्योरिटी बाड़ है, देखिये ये तीन बंदे आपकी और हमारी सेहत की हिफाजत करेंगे, आपकी और हमारी फैमिली की सेहत की हिफाजत करेंगे। तो ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट हेल्थ कॉन्सेप्ट था अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने आपको शॉर्ट सा बताया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम आपको इसके डिटेल से इसके बारे में आपको तारफ करवाते हैं। ये आपको जो है क्वालिटी सर्टिफिकेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स के आलमी मियार की वजह से जिन इदारों ने इन प्रोडक्ट्स को जो सर्टिफिकेट दिए ये आपको नजर आ रहे हैं। इस पर हम इनमें से थोड़े से सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ISO 9001, 9002, ISO 14001, जी नेक्स्ट करें जी। तो ये थी हमारी हेल्थ की, तो हेल्थ की के बारे में आपको शार्ट से जो है वो ब्रीफिंग दी। तो अब हम जो है वो डेमो करेंगे ना, मैं आपको डेमो अपनी प्रोडक्ट को जो है एक्सपेरिमेंट से साबित करूंगा, डेमो करके बताऊंगा। तो हमारी अब हम डेमो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। रंजन पाठक साहब इंडिया से हमारे साथ ऑनलाइन है। और सेशन के एंड पे ना इनको कंप्लीट जो है ना हम इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और इनको भरपूर क्लैपिंग में वेलकम भी करेंगे, ठीक है। तो जरूर इंशाल्लाह वेलकम जी रंजन भाई, आप अभी जो सेशन को कंटिन्यू चलने रहने दें तो इंशाल्लाह एंड पे हम मजीद जो है ना इनको वेलकम करेंगे। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। और जूम हो गई है मेरे से, सर ने बोल दिया बीच में, किसने सेलेक्ट कर दिया, मैं गलत से हो गई थी। जी जी श्योर सर, आप मौजूद रहें और आप देखें ये हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, डेमो चल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सबसे पहले हमने राइस लिए हैं, ये हमने राइस लिए हैं, ये आपको व्हाइट राइस, ये बिल्कुल साफ सुथरे राइस हैं। अभी हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गले सड़ने का मतलब। ऑक्सीडेशन के लिए हम इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, आपको मार्केट से मिल जाती है पायोडीन,
जिसको जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने हमने पायोडीन डाली, आवाज के लिए भी आ रही। पायोडीन का कलर डार्क ब्राउन होता है, पायोडीन का कलर डार्क ब्राउन होता है। तो अब इस पायोडीन के अंदर ये देखिए डार्क ब्राउन थी, अब इसको क्या है कि ऑक्सीजन मिली, हवा से ऑक्सीजन मिली। तो अभी आप देखिए चावल अभी पूरी तरह काले नहीं हुए जी। अभी उबैदी आवाज आ रही है जी? सर बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज, क्लियर ठीक है। अच्छा तो अब ये चावल पे पायोडीन लगाई तो क्या हुआ, अब ये मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ये देखिए बिल्कुल आपको ब्लैक राइस नजर आ रही है, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो अब हम इन ब्लैक राइस को आपके सामने हम अलग अलग ग्लास में डाल रहे हैं ताकि हम अलग अलग प्रोडक्ट का डेमो कर सके, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। ये आपके सामने ये पहला ग्लास है जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं कोई सप्लीमेंट नहीं डालेंगे। दूसरे ग्लास में भी हमने पानी डाला, तीसरे में भी पानी डाला, चौथे में, लेकिन तीसरे दूसरे और तीसरे और चौथे ग्लास में हम सप्लीमेंट जो है वो डालेंगे। अच्छा तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको कॉर्डिसेप्स है, ये हमारी प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप्स जिसको इम्यून बूस्टर कहते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक है और इसको किंग ऑफ द हर्ब्स का रॉयल फैमिली इसको इस्तेमाल करती थी, बादशाह नंबर थे वो इसको इस्तेमाल करते थे अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। और ये बड़ा बड़ी एक्सपेंसिव हर्ब है, इसको गरीब आदमी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, ठीक है। हमने ये डाली इस ग्लास के अंदर और इसको, और ये दूसरा ग्लास है इसके अंदर हम ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट का आपको डेमो करके बता रहे हैं। ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ग्रेप के एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ग्रेप से एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। और ये हम ग्रेप एक्सट्रैक्ट एक ग्लास में डाल दें तो जी। अच्छा तीसरे ग्लास में हम जो है तीसरे ग्लास में हम सेल रिजुविनेशन डाल रहे हैं। ये है हमारी प्रोडक्ट सेल रिजुविनेशन, सेल रिजुविनेशन, ठीक है जी। सेल को रिजुविनेशन, सेल को दोबारा जवान करना, रिजुविनेशन इंडस्ट्री इस वक्त उभर के सामने आ रही है। पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे हो गए हैं और वो सेल के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम सेल को दोबारा कैसे जवान करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारी कंपनी लीडिंग कंपनी है कि सेल को दोबारा जवान कैसे किया जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल है, मुमकिन है। ऑक्सीडाइज्ड सेल, गले सड़े हुए सेल, खराब सेल को हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले उसकी ऑक्सीडेशन को रिवर्स करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा जवान कर देते हैं। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम आपके सामने कर रहे हैं, इसको थोड़ा टाइम देंगे। एक और तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ हम आ जाएंगे जी। तो ये इस तजर्बे के लिए हमें पीएच पेपर चाहिए, ये पीएच पेपर है हमारे पास, ठीक है। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा पीएच पेपर ले रहा हूँ और ये है हमारे पास ब्रांडेड चीज जिसको कभी हम पिया करते थे, आजकल हम नहीं पीते अल्हम्दुलिल्लाह, कई सालों से नहीं पीते। तो बोतल है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, कैल्शियम किलर है ये। तो मैं आपको पहले सबसे पहले इस बोतल का पीएच लेवल चेक करके बताता हूँ पीएच पेपर के साथ। तो ये हमने इसका पीएच लेवल चेक किया, तो ये पीएच लेवल इसका ये देखिए 2 और 3 के साथ मैच कर रहा है, 2 और 3 के साथ ये ना मैच कर रहा है, 2 और 3 के साथ। तो अच्छा कैमरे में जो है ये नहीं इतना नजर आता है, इसमें थोड़ा सा। अब ये इसको मैं बोतल को मेरे ग्लास में डाला है और इसके अंदर मैं एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, इसका नाम है चिटासान। चिटासान ये शेल है सी फूड का शेल है। तो चिटासान हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग जो बेचारे जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक का इशू है, उनका स्टमक सही काम नहीं कर रहा, अल्सर का मसला है, तो उनको हम चिटासान जो है वो रिकमेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो हमारी आधी बॉटल भी यूज नहीं करते, हम भी कहते हैं यार हमारा मसला काफी बेहतर हो गया, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतर हो गया। तो इस तजर्बे को हम थोड़ा टाइम देंगे, हम जो बाकी एक्सपेरिमेंट था उसकी तरफ आ जाते हैं। ये सबसे पहले सेल का डेमो था, सेल का डेमो मुकम्मल हो गया क्योंकि ये बहुत जल्दी सेल का डेमो हो जाता है। तो ये देखिए ये अब मैं इसका पानी निकाल दूं ग्लास के अंदर ताकि मैं आपको इसके वाइट राइस दिखा सकूं। ये देखिए चावल बिल्कुल वाइट हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो थी ना गले सड़ने का जो अमल था ये रिवर्स हो गया है, चावल जो गले सड़े थे ये रिवर्स हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गए।
बिल्कुल वाइट हो गई ना, तो सेल ने क्या किया, सेल ने गले सड़ने के अमल को रिवर्स कर दिया। तो ये दूसरा हमारा डेमो है जो ग्रेप का था, और ये ग्रेप भी आप देख लें, ग्रेप भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो जिनके वाइट हो गए, यकीनन आपको वाइट हुए हुए नजर आ रहे हो, नजर आ रहे हैं सब दोस्तों को? यस सर, नजर आ रही है जी सर, क्लियर है। ऑक्सीडेशन का अमल जो था रिवर्स हो गया। अच्छा, तो अब यही ऑक्सीडेशन का अमल क्या होता है, यही ऑक्सीडेशन का अमल हमारी दिल की नालियों में होता है। दिल की नालियों में कैसे होता है ऑक्सीडेशन का अमल, दिल की नालियों में खून से चटनाई जाती है, चटनाई जाके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जम जाती है, और ब्लड वेसल को क्या होता है, खून ऑक्सीजन देती है। गले सड़ने का अमल मुकम्मल होने के लिए लाजमी है कि ऑक्सीजन चाहिए होती है, कि पायोडीन में क्या मिली थी, ऑक्सीजन मिली थी। तो जब आपके खून की नाली में चटनाई जम गई और खून से ऑक्सीजन मिली, वहीं पे गले सड़ने का अमल होता है। गले सड़ने का आवाज के लिए भी आ रही सर, आवाज के लिए माइक जरा क्लियर कर लें। वैदिक बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है, बाकी सब दोस्तों को आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर उनका माइक ऑफ करवा दें। अच्छा, माइक ऑफ, ठीक है, करवा देते हैं। मेरी तरफ रुक नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, डेमो वाला माइक म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कर ले। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि खून की नाली में चटनाई जमती है और खून से उसे ऑक्सीजन मिलती है, गले सड़ने का अमल होता है, और फिर दोबारा चटनाई मिलती है, चटनाई का और जर्रात आते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन मिलती है, गले सड़ने का अमल शुरू होता है। आजकल आपको पता होगा कि स्टंट बहुत डर रहे हैं और बाईपास भी बहुत हो रही है, तो ये किस वजह से हो रही है, कि ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया है, ये हम इसका कार्डियोसेप निकाल रहे हैं, और ये देखें आपके सामने तकरीबन ये 95% से ज्यादा चावल 100% नहीं हुए, क्योंकि ये कॉर्डिसेप जो है हमारा क्लिंजर नहीं है, ये हमारा रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है, तो ये भी वाइट हो गए। वाइट हुए नजर आ रहे हैं आपको? सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन का बल है उसको रिवर्स कर सकते हैं अपने इस प्रोसेस से, और हम सेल को जब गले सड़ने से रोक पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जिस्म को बीमारियों से भी बचा लेंगे। सेल को जब हम गले सड़ने से रोक पाएंगे इसका मतलब ये है कि हम बुढ़ापे से, हम अपने सेल को जवान रखेंगे, सेल जवान रहेगा तो इंसान भी जवान रहेगा, ठीक है। तो इस तजर्बे से हमने साबित किया कि अब हमारी फैमिलीज के अंदर अल्लाह के स्टंट डलवाने की जरूरत पड़ेगी, बाईपास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम यूज करवाएंगे, और इस इन प्रोडक्ट से क्या होगा कि उनके अंदर ऑक्सीडेशन का जितना भी अमल हो रहा है उस ऑक्सीडेशन का अमल रिवर्स अल्लाह के। अच्छा, तो ये हमने इसमें चिटासन डाली थी आपके सामने, आपने नोट किया था, तो ये देखे अब ये जो है मैं आपको दिखा पाऊं तो ये तकरीबन 6-6 के साथ मैच हो रही है, ठीक है ना, 6 के साथ ना ये मैच हो रहा है। तो इसने क्या किया, जो एसिडिटी थी ना, एसिडिटी उसको इसने ना कम कर दिया, तो इससे ये साबित हुआ कि हमारी ये चिटासन जो भी डोज यूज करेगा उसके मैदे के अंदर अगर तेजाबियत है, एसिडिटी है, अल्सर का प्रॉब्लम है, तो वो माशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन की जितनी भी फोर्स है, आर्मी है, उस लगेज के अंदर चिटासन बैंडेज होती है, तो ये चिटासन अंदर के जिस्म के अंदर के जख्म को भी ठीक करती है अल्लाह के हुक्म से, और ऐसे जख्म जो जिस्म के बाहर हैं और ये क्या करती है, उनको भी ये रिपेयर करती है, और ये रिपेयर ये ठीक करती है विदाउट स्कार, स्कार नहीं बनने देती, जिसको हम जो है अपनी जुबान में क्रूड कहते हैं, क्रूड बनना कहते हैं, जिस्म डायरेक्टली जो है वो हील अप हो जाएगा। तो ये हमारे जो है वो डेमो था। तो अच्छा, तो ये हमारा डेमो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको जो है ये डेमो जो है वो पसंद आया होगा, और बिल्कुल बिल्कुल पसंद है
जी, तो जबरदस्त, इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो है हमारी प्रोडक्ट वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी। सर ये जी हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट था इसमें, और अभी आपने देखे कि सर ने डिफरेंट डेमोस किए ना, सेल का किया, ग्रेप का किया, चिटोसन का डेमो किया। तो ये जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है इसमें हमें जो है ना तीन चीजों के ऊपर बात की ना सर ने, कि जिसमें सबसे पहले बात की गई कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है पहले क्लिनजिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर रेगुलेटिंग है, फिर स्ट्रेंथिंग है ना। तो ये ऐसा प्यारा कॉम्बिनेशन है, ऐसा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इन सब चीजों की जरूरत है। और आजकल हमें ये बहुत बड़ा एज मिला है कोरोना की वजह से कि लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए हैं। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रिवेंशन के ऊपर काम करती हैं। तो कैसा लगा जी आपको हेल्थ कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स के डेमोस कैसे लगे? आपकी भरपूर क्लैपिंग में पता चलेगा जी आपने आज से इसमें क्या सीखा और क्या आपको जो है कैसे लगी प्रोडक्ट? अच्छा लगे सर, बहुत अच्छे लगे। वेलकम बैक करते हैं माशाल्लाह राणा तारिक साहब, बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत कम टाइम में सही तरीके से डेमोस भी सही तरीके से हमें समझाए और प्रोडक्ट्स को भी समझाया। तो इनको वेलकम बैक करते हैं सर को, और गुड क्लैपिंग वेलकम बैक करते हैं जी। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू मच। तो अभी वीडियो देखेंगे डॉक्टर जॉन हेलमन। डॉक्टर क्लियर नहीं आ पा रही है जी, अभी हम डॉक्टर जॉन हेलमन की वीडियो देखेंगे। डॉक्टर जॉन हेलमन ये वर्ल्ड फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है जी। आपको आपको स्क्रीन शेयर आ रही है नजर? हाँ जी हाँ जी आ रही है। ठीक है जी, अच्छा अभी हम डॉक्टर जॉन हेलमन की वीडियो देखेंगे। डॉक्टर जॉन हेलमन वर्ल्ड फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है, तो इन्होंने हमारी दो प्रोडक्ट को यूज किया, तो आइए हम सुनते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में ये क्या कमेंट्स देते हैं। जी आपको आवाज आ रही है सबको डॉक्टर जॉन हेलमन की? सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्या वीडियो की आवाज नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही है। That are revolutionary.
that have already changed the lives of many. I wanted to try the high calcium on it, for example, on people that I know, some of my staff and friends and family. There is one lady who suffered from osteoporosis. She's been with me for 10 years. She's my secretary. She has tried many मेरे तरफ क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो को आज. She was put on the high calcium. चलिए मैं जवानी बता दूंगा. About 4 weeks. Her osteoporosis. नहीं क्लियर नहीं आ रही है. She saw results. She became a believer. Another individual had had a compromised immune system, and this individual has suffered from allergies, low-grade infection over a period of several years. Formula. Was it this? सर शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है. हाँ वही हो रही है, जुबानी बता दो. Because it has people of leadership such as Mr. Lee and his associates who are men of integrity and go forward into the future. But people like you need to work on the principles of integrity. Always never lie, never cheat. Be truthful, be kind, be loving. सर मैं प्ले कर दूं इसको, आवाज नहीं आ रही. जी डॉक्टर जॉन हेलमन ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं. डॉक्टर जॉन हेलमन ने बताया कि उन्होंने 58 बुक्स लिखी है जो कि ट्रांसलेशन हुई है 17 जुबानों के अंदर, और 19 मिलियन उसकी ना कॉपीज वर्ल्ड वाइड ना सेल हुई है. तो डॉक्टर जॉन हेलमन कह रहे थे कि इन्होंने इनकी सेक्टरी थी उसको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला था, तो टाइम्स की कैल्शियम यूज करवाई, तो कहते हैं 4 हफ्तों में रिजल्ट मिलना शुरू हो गए. पहले मार्केट की कैल्शियम यूज करवाई, उन्हें रिजल्ट नहीं मिले. टाइम्स की कैल्शियम यूज करवाई, 4 हफ्तों में रिजल्ट मिलना शुरू हो गए. तो एक और साहब थे जिनको लो ग्रेड इन्फेक्शन थी, एलर्जी का मसला था, उसको कॉर्डिसेप यूज करवाया, जिसका आपने अभी डेमो देखा भी, कॉर्डिसेप यूज करवाया, 3 हफ्तों में उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए. तो ये हमारी दो जो है वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जिसकी ये तारीफ कर रहे थे डॉक्टर जॉन हेलमन. तो इंशाल्लाह जब आप भी यूज करेंगे और आप भी इन प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे. फिर बाद में ये बात कर रहे थे डॉक्टर जॉन हेलमन कि आप इस बिजनेस को इंटेग्रिटी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, आप इस बिजनेस को सच्चाई के साथ करें. तो आप लोगों की खिदमत को जहन में रखते हुए इस बिजनेस को करें. दौलत ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आएगी, रिवार्ड आपको खुद ब खुद आएगा. तो आप रिवार्ड को जहन में रख के आप जो है वो लोगों की, पहले लोगों की खिदमत को जहन में लाओ, रिवार्ड आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आएगा. डॉक्टर जॉन हेलमन हमें प्रोडक्ट के बारे में जो है वो ये तारीफ कर रहे थे और बहुत अच्छी उन्होंने शेयरिंग की. तो ये था मेरा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई. अब मैं शामी को हैंड ओवर करूंगा कि वो आज की होम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें. जी शामी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. तो कैसा लगा जी आपको हेल्थ कॉन्सेप्ट डेमोस और डॉक्टर जॉन हेलमन की शेयरिंग, आपने सुनी, कैसे लगी थी आपको? वेरी मच, बहुत अच्छे लगे, बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच. तो आगे हम चलते हैं, आगे इम्पार्टेशन वीडियो है, तो उसके लिए मैं दावत तेज से दूंगा. हमारे दरमियान इस सेशन में मौजूद है मोहम्मद उबैद अल-असलम साहब लाहौर से,
के सीनियर लीडर हैं और इनको हम वेलकम करते हैं इस सेशन में, वो आए और इन्विटेशन वीडियो प्रेजेंट करें। भरपूर क्लैपिंग में वेलकम कीजिएगा मोहम्मद उबैल असलम साहब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज इंट्रोडक्शन करूंगा, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारी जिन्होंने पाकिस्तान में जैंस का आगाज किया था, बुरहान बख्शी साहब। आज वो हम में नहीं है, हमसे बिछड़ गए हैं। अल्लाह हमको जवाहिर रहमत में जगह दे और उनकी आखिरी मंजिलें आसान भी करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। तो उनका मैं प्रोफाइल आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पाकिस्तान में कराची से और फिर पाकिस्तान की आवाज क्लियर नहीं है, आवाज में काफी शोर भी आ रहा है और आवाज से में डिस्टॉर्शन भी रुक रुक के आ रही है। जी ऐसा ही हो रहा है। बाकी दोस्त अपने माइक म्यूट कर दें काइंडली, ताकि हमें ना आवाज क्लियर आ सके। बाकी दोस्त अपने माइक म्यूट कर दें। जी आप क्लियर है आवाज? जी अभी नहीं करनी, वेल्थ का सेशन नहीं अभी करना आपने। अब आवाज क्लियर है जी? उबैद भाई आपकी आवाज सही आ रही है अब। जी हां जी हां जी, अब आवाज आ रही है। इच्छा भी वेल्थ की कर ली, वेल्थ की सवर भी करेंगे। अच्छा पहले वेल्थ की करवा दें सर। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। अच्छा इससे पहले हम वेल्थ की भी हमारा एक टॉपिक है, तो उसके लिए मैं दावत से देता हूँ कि गुजरात से हमारे प्लैटिनियम कंसल्टेंट है मोहम्मद सवर साहब, हम उनको वेलकम करते हैं और वो स्टेज पे आए और वेल्थ की प्रेजेंट करें। जी मोहम्मद सवर साहब गुजरात से वेल्थ की के लिए तशरीफ लाते हैं, इनको भरपूर क्लैपिंग में वेलकम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले नंबर पर तो अबैद भाई माजरत के ये इम्पार्टेशन जो है ना बाद में होगी इंशाल्लाह वेल्थ के बाद, क्योंकि कहते हैं कि राणा साहब ने ये बात की है ना कि दो चीजें हैं, पहले नंबर पर सेहत और दूसरी चाबी है जो सपोर्ट किया। वेल्थ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे हम टाइम को कंट्री करते हुए कि हम 4 बजे से ना 4:15 बजे हम ये क्लोज कर देना। तो स्क्रीन शेयर कर देंगे श्याम भाई या मैं खुद ही कर लूं? मैं कर देता हूं सर जी। ठीक हो गया। जी सब दोस्त ना मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे तो ये स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो जाएगी, बड़ी स्क्रीन हो जाएगी ना। तो अब ना हम बात करेंगे ना, देखें वेल्थ की के बारे में, ये बंदा दौलत को देखकर कितना खुश है और एंजॉय कर रहा है ना। आए अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम के जरिए हम खुद को मुआशी तौर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं। दौलत उन लोगों के लिए पोशीदा रहती है जो हर काम खुद करते हैं, दौलत उन लोगों पर निछावर होती है जिनमें सिखाने का काफी सब्र होता है। ये ना एक टीम सेल कह रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके बारे में वो बता रहा है कि अब ना दौलत उन लोगों पर पोशीदा होती है जो हर काम ना खुद करते हैं और उन पर निछावर होती है जो दूसरों को सिखा रहे होते हैं, जैसे कि हम सर राणा साहब हमें सिखा रहे हैं इसी तरह हमने भी लोगों को सिखाना है ना। तो किस तरह से हमारे पास दौलत आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जी। टाइम्स वेल्थ की फॉर यू यानी कि कामयाबी किस तरह से होती है ना। आए बात करते हैं कि टाइम्स की दौलत की चाबी आपकी कामयाबी में कैसे किरदार अदा कर सकती है, इसके लिए हमें क्या बनाना है ना, किस तरह से हम इसको दौलत हासिल कर सकते हैं ना। तो वो कहता है कि आपने अगर बनाना है तो ये ग्रुप सार्फीन का ग्रुप बनाना है ना, सार्फीन का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इस दौर में जितने भी बड़े कारोबारी बने हैं और वो सिर्फ
सार्फीन का ग्रुप बनाकर बने हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने गूगल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके दुनिया में 3 अरब का सार्फीन का ग्रुप बना लिया। इसीलिए इसी तरह टेली कम्युनिकेशन ने सार्फीन का नेटवर्क बनाया, जिस तरह से ये बड़े बड़े जो अपना जैज है, टेलीनॉर है, या जितने जितने वो बड़े नेटवर्कर हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया नेटवर्क का ना। हमें भी टाइम्स का प्लेटफॉर्म मिला है ना, इस्तेमाल करके हमने इसको नेटवर्क बना सकते हैं। इसमें नेटवर्क हमारा ही अपना होगा, कंपनी ने हमें ये प्लेटफॉर्म, इस पे हम ना काम करेंगे और नेटवर्क हम अपना खुद बनाएंगे ना। टाइम्स हमें 3 चीजें जो है ना प्रोवाइड करेगी ना, 3 चीजें 3 प्रोडक्ट देगी ना, जिसमें ट्रेनिंग देगी, जगह देगी और प्रोडक्ट देगी ना। ये 3 चीजें हमें कंपनी देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक एरो बना हुआ है जो टाइम्स के नीचे प्रोडक्ट, ट्रेनिंग और वर्किंग स्पेस ना, जगह जो है ना वो आपको कंपनी देगी। हम देना है और एशिया के बाद, एशिया इस्तेमाल करने के बाद जानने वाले वालों से शेयर करना है, जिससे कारोबार होगा और रोजाना की बुनियाद पर बोनस मिलेगा, जिसके लिए 3 काम। अब देखिए ना, प्रोडक्ट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को हमने परचेज करना है ना। कोई भी बिजनेस होता है ना, वो प्रोडक्ट पे होता है ना, तो हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है। ट्रेनिंग हमने अपने सीनियर से लेनी है, जैसे हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और सर से ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, तो ये आपको अपना आपका स्पॉन्सर जो आपका सीनियर है, जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको ट्रेनिंग देगा ना, ठीक है। वर्किंग ऑलरेडी कंपनी के पास है, कंपनी आपको एक मौका देगी कि जगह भी आपको मिल जाएगी ना। अब ये जब प्रोडक्ट यूज करनी, शेयर करनी है, लोगों को बताना है, अपने हल्का अहबाब को बताना है, अपने जानने वालों को बताना है ना, तो फिर आपको कंपनी इसका बोनस देगी, ठीक है, जिसके लिए आपको मजीद काम करने होंगे ना। वो कंपनी ने किया, अब आपके क्या जुम्मे काम है ना, सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड होना है ना, ये पहले आपका काम है रजिस्टर्ड होना है, फिर अशिया को इस्तेमाल करना है और दूसरों को शेयर करना है, ये आपके जो जुम्मे है ना वो काम है, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब ना ये इस सिस्टम को ना, कि इसमें सिस्टम में कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पता चले कि हम रजिस्टर्ड होने के तरीका क्या क्या है ना। सबसे पहले आपको हमारे अदारे का फॉर्म हासिल करना होगा ना, ये एक फॉर्म नजर आ रहा है, तो ये आपको फॉर्म हासिल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इंटरनेशनल मेंबरशिप आईडी मिल जाएगी ना, ये आपको ग्रीन नजर आ रही है, ये इंटरनेशनल है, यानी कि ये दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में ये आपको इतनी ताकत है इसमें कि आप दुनिया के हर कोने में बैठ के काम कर सकते हैं ना, जिसके जरिए पूरी दुनिया में कारोबार भी आप कर सकते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर गाइड मिल जाएगी ना एक, जिसके जरिए आपको अपनी जरूरत की प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मुआवनत मिलेगी और आपको अपनी जाती फ्रेंचाइज खोलने के हकूक भी मिल जाएंगे ना। यानी कि ये इससे अख्तियार आपको मिलेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे और मैनुअल बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे राणा साहब ने बताया कि कॉर्डिसेप है, सेल है, ग्रेप है, इस तरह की काफी सारी प्रोडक्ट है, सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी ना, ठीक है। और इसके बाद आपको हकूक दिए जाएंगे कि आप अब कहीं पे भी बैठ कर अपनी फ्रेंचाइज को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं ना। अब कारोबार कैसे करना है, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। आपको 3 काम मुकम्मल करने हैं ना। पहला काम है कि आपके 200 पॉइंट जो भी हमारी प्रोडक्ट है ना, जैसे कॉर्डिसेप है या सेल है या ये चिटोसन है, ये जो बताया गया, इसके हर के ऊपर ना पॉइंट होते हैं ना, डॉलर होते हैं, तो $200 की आपने परचेजिंग मुकम्मल करनी है ना। अपनी जिंदगी को बदलने का फिर फैसला आपने करना है कि हाँ यार, मैंने जो डिसीजन किया है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इससे अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने जानने वालों को कामयाब करवा सकता हूँ ना। नंबर 3 पे आपको अपना स्पॉन्सर लेना होगा ना। जैसे आपको स्पॉन्सर किया गया, जैसे आपको स्पॉन्सर किया गया है, इसी तरह आपने अपने जानने वाले को स्पॉन्सर करना है ना। अपने हल्का अहबाब को भी आपने इस सिस्टम का हिस्सा बनाना है। वो कैसे बनाना है, इंशाल्लाह वो आपको, आपका स्पॉन्सर जो है ना वो आपको गाइड करेगा जी। अगली स्लाइड पे हम आते हैं। जी
जी फैमिली बड़ी ना खुश नजर आ रही है, ये मुख्तलिफ कलर के लोग हैं और मुख्तलिफ इंजॉय कर रहे हैं लोग ना, तो अशिया का इस्तेमाल इस कारोबार की बुनियाद है। दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि चीज यूज कर की हो तो बाद में बंदा परचेज ना करे ना, तो यहाँ पे भी चीज इस्तेमाल करनी बुनियादी जरूरत है कि सबसे पहले कि हमसे तो नीचे है ना, हमारे सेहत होगी तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकेगा ना। सबसे पहले आपकी अपनी सेहत होनी बहुत जरूरी है ना। हम यहाँ पे ना एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे ना चीजें नहीं बेची जाती, हम यहाँ पे जिंदगी गुजारने का सेहतमंदाना तरीका आपको बता रहे हैं, वो मुहैया कर रहे हैं ना। जैसे आपने $200 की 200 पॉइंट की खरीदारी करके अपना जब कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, आपका एक टारगेट कंप्लीट होता है, एक पैकेज खरीदते हैं, तो फिर आपको कंपनी की तरफ से 16% मुनाफे के हकूक हासिल होंगे, वो आप ले सकते हैं। हमारे अदारे में कोई हमारे अदारे में कारोबार मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गए हैं ना, अब 200 पॉइंट की खरीदारी मुकम्मल करके ना आप कोई भी प्रोडक्ट आगे कर सकते हैं और अगले पॉइंट जमा करना शुरू कर दें, यानी कि हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट है, तो जैसे जैसे आपके पॉइंट बढ़ते जाएंगे इसी तरह आपकी तरक्की में भी इजाफा होता जाएगा और आपको कारोबार में बोनस भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी तरक्की के जो रास्ते हैं ना वो जल्दी खुलना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है ना ये मेडिसिन नहीं है, सर ने जैसे बताया, तो हमारी प्रोडक्ट है गजा की किल्लत को, गजा की कमी को पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट है, गजा बिल इलाज है, इसको मेडिसिन के तौर पर आपने यूज नहीं करना, ये मेडिसिन नहीं है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। जी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, तो आ रही है। जी आ रही है। बात करते हैं कि आपको ना इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आप इसमें तरक्की कैसे। ठीक है, तो आपने इस काम की शुरुआत कैसे करनी है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 200 पॉइंट की पैकेज आपने परचेज करना है, खरीदारी मुकम्मल करनी है और कंपनी की तरफ से आपका ना रैंक हो जाएगा ब्रॉन्ज मेंबर। ठीक है, तो ये कंपनी के ओहदे हैं। ठीक है, और जब आप ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 16% के आप मुनाफा के हकदार हैं कि आप इससे 16% मुनाफा ले सकते हैं। आप जितना भी अब आपका काम होगा ना तो 16% आपको उसमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही कि आप आए और आपने फिर चंद दोस्तों को गाइड किया, मशवरा दिया, उन लोगों को भी आपने बताया कि सेहत वाली चाबी की तरफ ले, सेहत वाले के दरवाजे से लेकर आए या फिर आप दौलत वाले के दरवाजे से लेकर आए, तो उनके भी आपको पॉइंट जमा हो गए, 3000 पॉइंट जैसे हो गए, तो कंपनी ने आपका रैंक बढ़ाकर सिल्वर मेंबर बना दिया और यहाँ पे आपको 5% मजीद इजाफा कर दिया आपकी अर्निंग में, आपकी इनकम में। ठीक है, जैसे ही अब आप के 12000 पॉइंट कंप्लीट होंगे तो आपको कंपनी की तरफ से गोल्ड मेंबर का ओहदा दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 26% जो है ना वो आप मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह इनकम में इजाफा होता जा रहा है और ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इससे आप चीजें भी अपने घर ले जाते हैं और इस बिजनेस के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। अब ये नेटवर्क आप देखते हैं कि जी आवाज सही आ रही है या कम आ रही है अभी यहाँ पे? सही आ रही है सर, आज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक हो गया जी। आए अब ना हम मुस्तकबिल के कारोबार का ना एक खाका देखते हैं कि ये किस तरह से हम लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बना सकते। तो सबसे पहले ना आपने अपनी फैमिली के लोगों को, दो लोग जो है ना आपके अपनी फैमिली के आने चाहिए, रिश्तेदार अपना जो अजीज़ो कारब है ना उसमें आपने अपने दो लोगों को लेकर आना है ना। ठीक है, इसके बाद फिर आपने अपने रिलेशन जो रिलेटिव है ना आपके जो अजीज हैं रिश्तेदार हैं वो दो लोग आप इस सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप अपने दो फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है,
और दो लोग ऐसे हैं जो हमसाए हो उनको आप इनवाइट कर ले, उनको चुन ले आप, ठीक है, दो जानने वाले को आप चुन ले, ठीक है। तो इसी तरह जब आपके टोटल 10 लोगों का ग्रुप बनाना है और आपने 10 लोगों के ग्रुप के साथ आपने काम का आगाज कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होता जाएगा। जैसे आपने सीखा वही आपने अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करनी है और सिखाना है, तो इंशाल्लाह आपका नेटवर्क जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी माशाल्लाह जी, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से हमें फायदा क्या होगा, हम अगली स्लाइड पे आते हैं जी, कि हमें टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन लेने से हमें फायदा क्या होगा, इसे हमें क्या मिल सकता है ना। तो सबसे पहले कि ये यहाँ पे आप की अजाफी आमदन हासिल होना शुरू हो जाएगी, जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको अजाफी आमदन इस अपने काम के साथ ये काम करने से अजाफी आमदन शुरू हो जाएगी ना। फिर आप बिला मुआवजा छुट्टियां इंजॉय कर सकेंगे, कि आपको कहीं पे आने जाने का की ख्वाहिश बनती है तो आप आ जा सकते हैं ना, ठीक है। आप फिर अपना वक्त जो है ना, और वक्त की आज़ादी और माली आज़ादी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अपना वक्त होगा, आप अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को टाइम आप दे सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी और अपने खानदान की, अपने रिश्तेदारों की सेहत के मसाइल जो है ना, जिस तरह से सर ने बताया कि कोरोना का मामला चल रहा है, तो ये आने वाले वक्त में जो हमारी डाइट है, जो हमारी गुजा है ना, इसकी वजह से मसाइल, सेहत के मसाइल बड़े खराब होते जा रहे हैं ना। तो इन प्रोडक्ट से आप अपनी फैमिली का और खानदान के सेहत के मसाइल हल कर सकते हैं ना। अपने प्यारों को इस कारोबार करने का मौका आप फ्राहम कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग के जरिए अपने अंदर शख्सियत, अपनी शख्सियत साजी कर सकते हैं ना, अपनी अपने अंदर निखार पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप रहते हुए आप एक बैन अल-अक़वामी सतह के मालिक, कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं, कि आप एक कंपनी का खुद बॉस होंगे ना, तो आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप इस कंपनी के खुद बॉस भी बन सकते हैं। जी जी अगली स्लाइड पे आते हैं जी। तो इनमें से कितने लोग हैं जो इससे, ये जो मैंने पिछले बेनिफिट बताए हैं, तो इसमें कितने लोग बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, वो अगली स्लाइड पे हम बताते हैं जी आपको। जी अगली स्लाइड पे आ जाए श्याम भाई। श्याम भाई आवाज आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह। बल्कि पिछली स्लाइड पे आ जाओ थोड़ा सा ना, ये आगे ज्यादा आप चले गए जी। आप हमारे साथ ना, आप हमारे साथ पूरी दुनिया में ना फ्री सैर कर सकते हैं ना। और जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि ऊपर एक बड़ी सी दीवार बनी हुई है, बड़ी सी चेन बनी हुई है ना, तो हमारी कंपनी ने 6400 लोगों को ना फ्रांस का फ्री टूर करवाया था, जिसमें अखराजात सारे कंपनी के थे। और ये ना जब फ्रांस का दौरा करवाया गया तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया ना, कि इंसानी जंजीर की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा जुमला लिख दिया, आलमी रिकॉर्ड बन गया ना, और अपना नाम गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। यानी कि ये एक ना तहरीकी तारीखी जो अल्फाज है ना वो बन गया है, कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतने ज्यादा लोगों को सैर किया मौका दे दिया ना, ये फ्रांस की तारीख में सबसे बड़ा स्याही दौरा। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने चाइना, अमेरिका, तुर्की, रूस के अलावा भी दीगर कई बैरूनी ममालिक का दौरा कर चुके हैं, और ये कंपनी करवा चुकी है ना। तो ये आपको नजर आ रहे हैं नीचे एक बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लेकर बैठे हुए हैं, और एक साइड पे व्हाइट सूट और ब्लैक शर्ट अपना जो है ना वास्कोट है। तो ये सारे पाकिस्तान के लोग है ना, तो ये पाकिस्तान के लोग जो है ना ये इससे हासिल कर चुके हैं। तो जब भी कोई कंपनी कारकर्दगी करती है, कारकर्दगी पे ना रिवॉर्ड मिलते हैं, हमारी कंपनी रिवॉर्ड नहीं देती, बड़े बड़े रिवॉर्ड देती है। तो यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है कि एक सर्मनी हुई थी, एक इंटरनेशनल रिवॉर्ड मिले, तो उसमें हमारी कंपनी ने फ्री टूर, ये फ्री कार का जो है ना रिवॉर्ड दिया ना, टूर के साथ साथ कंपनी गाड़ी भी देती है ना,
तो रिवार्ड हासिल करने के लिए ना इंटरनेशनल लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि आपको चाइना के सालाना कन्वेंशन में पूरी दुनिया से कार रिवार्ड हासिल करने के वाले खुश नसीब डिस्ट्रीब्यूटर नजर आ रहे हैं ना, ये सालाना तकरीबन दुनिया के कई ममालिक में हो चुकी है और जिसमें हमारी कंपनी हजारों डिस्ट्रीब्यूटर को ये कार रिवार्ड दे चुकी है। तो ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सारे हमारे पाकिस्तानी भी हैं और ऊपर वाली स्लाइड पे आपको जो फ्लैग है ना पाकिस्तान का वो नजर आ रहा है, तो बाकी पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया गया है ना। तो ये बड़ी कंपनी बड़े इनाम देती है और जो इसकी मालियत है ना 30,000 US डॉलर इसकी मालियत है जो गाड़ी कंपनी गिफ्ट कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब यहाँ पे ना हम देखेंगे कि जो आपने नेटवर्क बनाया, अगली स्लाइड पे आते हैं जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आप नेटवर्क की क्या पावर है ना, इसकी क्या वर्थ है कि ये इतनी जल्दी और इतना बड़ा कैसे कारोबार हो सकता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना दो दोस्तों की मैं मिसाल लेता हूँ, जिसमें ये एक यहाँ पे कोई नए दोस्त हैं दो, जी यहाँ पे, अच्छा चलें जी, यहाँ पे ना हम अफजल भाई आपसे एग्जांपल लेते हैं। जी जी ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल ये है कि ये आपको ना स्लाइड तो नजर आ रही है ना कि लिखा हुआ वन डे और 0.05 पॉइंट और आगे 50,000 नजर आ रहा है ना। जी सर आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आपको डेली बेस पर 5 पैसे दिए जाएं और अगले दिन 10 पैसे दिए जाए या रोजाना की बुनियाद पर 50,000 रुपया दिया जाए तो आप किन को लेना पसंद करेंगे? सर 50 पैसे को लेना पसंद करूंगा। 50 पैसे लेना पसंद करेंगे, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी, ये तो बिल्कुल नाम मामूली सी रकम है, ये 5 पैसे भी तो कोई बड़ी रकम तो नहीं है, तो अगर डेली बेस पर अगर आप 50,000 रुपया ले तो वो बेहतर नहीं है? नहीं सर, ये 5 पैसे बेहतर होंगे। ठीक हो गया, तो जैसे जैसे हम ना, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ना डुप्लीकेशन, कि एक नौकरी करने वाला और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि डेली बेस पे जो इनकम लेने वाले होते हैं, मंथली बेस पे इनकम लेने वाले होते हैं ना, उन एक समूह चल रही होती है, लेकिन पावर जो है ना डुप्लीकेशन नेटवर्क की, उसमें 0.5 पैसे से शुरू किया आपने काम और जब 15 दिन गुजर गए तो 15 दिन में आपको 819 रुपए आपको मिले हैं और 0.20 पैसे, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो डेली बेस पे 50,000 रुपए, तो वो तो मेरा ख्याल है बेहतर है क्योंकि ये 15 दिन के बाद भी 819 रुपए मिले हैं आपको। सर ये सिर्फ 15 दिन गुजरे हैं ना, अभी बाकी जिंदगी तो बाकी है ना। चले जी अगली स्लाइड पे आते हैं जी, हम फिर अगली स्लाइड पे आगे माशाल्लाह। जब हमने 16वां दिन हुआ तो वो 1,638 रुपए आपको 16वें दिन मिले, लेकिन उस बंदे को भी 50,000 रुपए पर डे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह करते करते जब 30 दिन मुकम्मल हुए तो 30वें दिन भी उस बंदे के पास 50,000 रुपया है, लेकिन इसके पास 30वां दिन होगा तो वो 2,68,43,545.60 पैसे उसके 30वें दिन में हो गए ना। तो ये है पावर डुप्लीकेशन की या नेटवर्किंग की ना। तो जब अगला दिन आएगा तो उसकी टोटल अगर कैलकुलेशन की जाए तो उस बंदे ने एक महीने में 15 लाख रुपया कमाया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 5,36,87,91.15 रुपए आप कमा चुके हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेट, क्योंकि जब इस सिस्टम में आते हैं तो पैसा स्लो मिलता है, थोड़ा मिलता है, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है तो आपकी अर्निंग में इनकम में इजाफा होता जाता है, लेकिन हम जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं रिवायती काम कर रहे हैं तो उसमें एक समूह चल रहा होता है, हमें इक्वली पैसे मिल रहे होते हैं।
ठीक है। तो अब ना हम बात करते हैं कि आप रजिस्टर्ड होकर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है, और ब्रॉन्ज मेंबर का यानी के हासिल करके ना जो होता है ना वो आप ले सकते हैं और 16% के आप मुनाफा हासिल करना शुरू करेंगे ना। नंबर टू है कि आप अपने स्पॉन्सर से ट्रेनिंग लेंगे, आप अपने जो जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है उससे आप ट्रेनिंग लेंगे, आप अपनी कंपनी की वीडियोस देखें ना, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू कर दें, ये आपके नॉलेज को बिल्ड करेगा ना, और अपने जानने वालों की फरिश्त तैयार करें। जैसे कि हम शादी ब्याह होता है तो हम अपने जानने वालों की लिस्ट तैयार करते हैं ना, किन किन को इन्वाइट करना है और किन को नहीं करना, तो इस तरह आप अपने जानने वाले कोई अपने दोस्तों की अपने रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें किस तरह से इनवाइट करना है वो आपको आपका स्पॉन्सर बताएगा। नंबर पांच पे आपने लोगों को दावत देनी है। जैसा जब हम लिस्ट तैयार करते हैं तो फिर हम अपने जानने वालों को कार्ड भेजते हैं, दावत देते हैं, तो इसी तरह आपने इनको दावत देनी है। नंबर सिक्स पे है कि आपने फिर लोगों को ना प्रेजेंट करना है, ठीक है, लोगों को आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे कि ये आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही है तो इस तरह आपने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका फॉलो अप, आप उन लोगों का फॉलो अप करेंगे, आप उनको उनसे पूछेंगे कि क्या आपको अच्छा लगा और कहाँ पे आपकी कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे, तो आप उनकी पैरवी करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपका काम होगा। तो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे कि अपनी कामयाबी और नाकामी का हम खुद करेंगे ना, नाकाम होना है या कामयाब होना है। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो है ना, जिस सिस्टम में कंपनी आपको यकीनी तौर पर आपको ये रास्ता दिखा रही है कि आपकी कामयाबी आपका आपका आपको रास्ता दिखाएगी कि जेनियस सिस्टम आपको ये गाइड करेगा कि आप कामयाबी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो कामयाबी के लिए ना रॉबर्ट की कहावत है कि अगर वो कहता है कि रॉबर्ट कहता है कि अगर दोबारा से अगर कोई काम करना हो ना, मैं अमीर बनना चाहूँ, तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग का इंतखाब करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ये दो रास्ते के पास है, एक कामयाबी का है और एक है फेलियर का। तो इसमें आपने खुद फैसला करना है कि आप कामयाबी की तरफ चलना चाहते हैं, नाकामी की तरफ चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास है ना। तो कामयाबी की जो चाबी है ना, सिस्टम की कामयाबी की जो कुंजी है ना, एक ही रास्ता है, और सही तरह का रास्ता होना और जेन्युइन सिस्टम पाकिस्तान में ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल होने पर आपके सुनने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रेजेंटेशन से फायदा मिला होगा और इससे आप भरपूर फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया है श्याम भाई का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने ये गुफ्तगु सुनी, और जाक अल्लाह जी। जी श्याम भाई बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। जबरदस्त सर, ये हमारे थे जी सवर भाई, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने वेल्थ की को प्रेजेंट किया, तो कैसी लगी थी आपको वेल्थ की? सर भाई आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी वेल्थ की, बहुत अच्छी प्रेजेंट, जबरदस्त है श्याम भाई, बेहतरीन उन्होंने प्रेजेंट किया है। अफजल भैया मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज, सबको आ रही है। ठीक ठीक ठीक, मैं भी कब से बोल रहा था तो नहीं जा रही थी, अच्छे लगा। दोबारा जो आंसर किया, आवाज नहीं आ रही। श्याम भाई आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो ये जी सौर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने वेल्थ की प्रेजेंट की, किसी को वेल्थ की जी। अब कैसे आवाज ठीक है, अब आ रही है सौर भी आवाज आ रही?
जी आपकी आवाज सही आ रही है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी। ठीक है चले जी आगे चलते हैं जी। आगे है इम्पार्टेशन वीडियो ना, तो इम्पार्टेशन वीडियो के लिए हम दावत इससे देते हैं लाहौर से हमारे सीनियर पर्सनालिटी हैं मोहम्मद उबैदुल असलम साहब, इनको भरपूर क्लैपिंग में वेलकम करते हैं और आए और इम्पार्टेशन वीडियो प्रेजेंट करेंगे। वेलकम करते हैं मोहम्मद उबैदुल असलम साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इम्पार्टेशन वीडियो के लिए हाजिर होंगी बुरहान बसी साहब, आज पर्सनैलिटी जिनकी हम प्रोफाइल वीडियो दिखाएंगे। बुरहान बसी साहब ने टाइम्स का आगाज किया और फाउंडर ऑफ टीएनसी पाकिस्तान उनका टाइटल है, वो हम में नहीं है, हम सिर्फ बिछड़ गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आइए उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी बहुत सारी खिदमात हैं जी और टाइम्स को पाकिस्तान में उसकी अवयारी करते हुए उन्होंने जान दी। इस तरह स्टेज पर उनकी तबीयत खराब हुई फैसलाबाद में, वो अपने खालके की सजा मिले, लेकिन उनकी दी हुई एजुकेशन, उनके दिए हुए थॉट्स और उनकी दी हुई जो ये सिस्टम है उनका दिया हुआ, उस पर पाकिस्तान के लाखों लोग इंशाल्लाह उसके साथ उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए उनकी वीडियो देखते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ जी वीडियो। ना झुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं हम पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के रखवाले हैं। ना झुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं हम पाकिस्तान की इज्जत पर अजमत के रखवाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत पर अजमत के रखवाले हैं। हम दुनिया को दिखा देंगे, जनता का जब कोई
जी ये थी वीडियो बुरहान बशीर साहब की, आपने उनकी प्रोफाइल देखा। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ कि सेशन को आगे बढ़ाएं। जी बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह आपने देखा जी कि ये हमारे फर्स्ट पर्सनैलिटी थे कराची से बुरहान बशीर साहब के, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये ऐसे पर्सनैलिटी सिस्टम का आगाज किया था, और इन्हीं की बदौलत आज पूरे पाकिस्तान में टाइम्स पाकिस्तान मौजूद है और लोग इसे फायदा उठा रहे हैं। तो अब ये हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखा कि कैसे कामयाबियां हासिल की और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इसी सिस्टम की बदौलत। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और आखिरत की मंजिलें साफ फरमाए। जी अब हमारा सेशन क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए मैं अब दावते से दूंगा हमारे दरमियान हमारे मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी
हमारे मेंटोर मौजूद हैं, और इस सेशन में जो नए दोस्त आए हैं उनका भी हम उनकी भी हम शेयरिंग लेंगे। तो मैं दावत इसे देने जा रहा हूँ हमारे मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी सर राना तारिक साहब, सीनियर सेल डायरेक्टर, भरपूर क्लैपिंग वेलकम कीजिएगा जी। श्याम भी माशाल्लाह, सवर भी ने बहुत अच्छा माशाल्लाह सेशन दिया, और उपेंद्र भी ने इम्पार्टेशन जो है वो दी भानी के बारे में तारफ करवाया। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है सोसाइटी के अंदर रोल मॉडल तैयार करना। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, आम लोगों को ज्वाइन करता है और उसके ऊपर फिर मेहनत करता है, उनको पॉलिश करता है और उनकी पर्सनैलिटी के तमाम शोबों के ऊपर काम शुरू करता है। तो वो अपने इलाके के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर लीडर उभर के सामने आते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लीडर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। तो हम इस फैक्ट्री के अंदर क्या करते हैं, आम लोगों को लीडर बनाते हैं, ये हमारी जॉब है। तो इसके लिए जो है हमने हेल्थ के बारे में भी जान लिया, वेल्थ के बारे में भी जान लिया, हेल्थ भी हमारी जरूरत है, वेल्थ भी हमारी जरूरत है। और इम्पोर्टेशन आपने देखी, बुरहान भाई ने क्या शोहरत की बुलंदियों को छुआ, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत की बुलंदियों को हर इंसान जो है वो छू सकता है ना। तो अभी हमारा क्लोजिंग सेशन है, नए दोस्त जितने भी तशरीफ लाए, ये हमारा होम ऑफिस, ये इसको होम ऑफिस फाइल करके इसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो लगे हुए हैं। आप जो भी बात पूछेंगे, जो भी बात आप करेंगे, तो उसकी आपको इसके अंदर ना सर्टिफिकेट जो है वो मिलेंगे। तो ये होम ऑफिस जो भी दोस्त ज्वाइन करता है, हम उसको गाइड करते हैं कि वो ये होम ऑफिस जो है वो जरूर बना लें, और ताकि वो अपने दोस्तों को जो है इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सके। और नए दोस्त जो है जितने भी, उनके जेहन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उन सब क्वेश्चंस के आंसर इस फाइल के अंदर मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में जो है सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो मौजूद है। ये हमारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हुए, सर्मनीज हुई, आपने वीडियो भी देखी, उसकी यहाँ पे पिक्चर्स भी है। ये टॉप अचीवर्स हैं हमारे, ये मेरी इनकम की प्रूफ है, इनकम का सबूत है जो मुझे इस कंपनी से मिलती है। और ये हमारी पुरानी पिक्चर्स है, पाकिस्तान की पिक्चर्स है, कि यहाँ पे बुरहान भाई को मुझे और मोहम्मद मुस्फा भाई को अवार्ड मिला था, फिर आपको ये पिक्चर्स नजर आ रही है। और ये हमारी चाइना के अंदर जो सीनियर अपलाइन है उसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, तो पाकिस्तान उनके अंडर आता है। उसके बाद फिर आपको ये हमारी कंपनी की जो बिल्डिंग्स है, ऑफिस बिल्डिंग्स है ना, तो वो आपको नजर आ रही है हमारे कंपनी की बिल्डिंग्स, इनकी वीडियोस भी आपने देखी। तो ये 5-star होटल है, पोस्ट इंटरनेशनल बैंक्वेट सेंटर है। तो ये पीसीएफ के अंदर, पिंडी के अंदर हमारी फ्रेंचाइज शॉप है, उसकी बिल्डिंग, उसकी आपको पिक्चर नजर आ रही है। तो शॉप हम जो है वो डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर जो है आपको ये पाकिस्तान के अंदर जो इसकी, ये हमारी वेबसाइट है, पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, ठीक है, वो आपको नजर आ रही है। ये कंपनी के फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो इसका स्टेटस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये हलाल के सर्टिफिकेट है, ये ड्रैप के सर्टिफिकेट है, हमारी प्रोडक्ट जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उससे रजिस्टर्ड है। तो ये फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स आपको नजर आ रहे हैं सबके सब, ये अपने सर्टिफिकेट। और ये सवर भी ने जो बात की थी, गेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये उसका सर्टिफिकेट है फ्रांस के अंदर जो टूर हुआ था, ठीक है। इंसान की जंजीर की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा सेंटेंस लिखा गया ना, इंसानों ने खड़े होके दुनिया का सबसे बड़ा सेंटेंस लिखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो ये आपको नजर आया। फिर ये प्रोडक्ट के बारे में है, प्रोडक्ट की ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, इलनेस और वेलनेस। तो आने वाला दौर जो है वेलनेस इंडस्ट्री का है ना, वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं सेहतमंदी की इंडस्ट्री। सेहतमंदी की इंडस्ट्री क्या है, बीमारी जिस्म में आने से पहले उसका बंदोबस्त किया जाए, बीमारी जिस्म में आए ही ना, और बुढ़ापे के अमल को कैसे रोका जाए, तो इसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में, इलनेस और वेलनेस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल नजर आ रही है। हमारी सर्टिफिकेट, ये प्रोडक्ट के ब्रोशर्स है, ठीक है, चिटासन के बारे में जो आपको बताया, ये सारी प्रोडक्ट के ब्रोशर है। फिर हमारी ये डिवाइसेस है, उसके ब्रोशर है, और ये हमारी एक डिवाइस है टाइम्स लाइफ, इसका नाम है, लेफ्ट हैंड से मुकम्मल चेकअप कर लेती है। तो इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि आप अपनी फैमिली का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की डेफिशिएंसीज के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसकी भी जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है।
और फिर ये मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मार्केटिंग प्लान है हमारा, टीम सेल की वीडियो है, और पॉल जेन पिल्सर का ये वेलनेस रेवोल्यूशन के ऊपर स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये डायरेक्ट फिगर है, ठीक है, पूरी दुनिया की जो फिगर्स है डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। तो इसमें कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट जो है वो लगे हुए, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फिर हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसकी डिटेल है, ये सर्टिफिकेट मुझे मिला हेड ऑफिस से, मेरी जो प्रमोशन हुई, और यही बैच मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको बैच नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ना तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर ये बड़ी अच्छी जो है एक पिक्चर है, अगर मैं आपको ये दिखा पाऊँ, ठीक है, हाँ, अब आपको शैसी भी नजर आ रही है कि फोर एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल पार्टनरशिप है ना, तो ये टाइम्स है, और ये आप है, और ये आपकी ना LOS है, LOS कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जिस दोस्त ने आपको यहाँ पे बुलाया, और ये जो है ना ये हमारा सिस्टम है, तो हमारा सिस्टम जी सिस्टम है, तो इन चार लोगों की ना आपस में जो है वो पार्टनरशिप जो है वो हो रही है, चार लोगों की आपस में पार्टनरशिप हो रही है, ये चार लोग मिल के अब इस बिजनेस में जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारा एक बड़ा अच्छा डायग्राम है, जी सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी जो है आपका जानने वाला है उसको आपने इस सिस्टम में, यहाँ पे सिस्टम में डालना है, और इस प्रोसेस से गुजारना है, इस प्रोसेस से गुजारना है, वो इस प्रोसेस से गुजरेगा, और जब वो यहाँ से निकलेगा तो वो एक कामयाब इंसान होगा, वो लीडर होगा, उसके पास माली आजादी होगी, माशी आजादी होगी, वो लोगों की जिंदगियां बदल चुका होगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जिसके बारे में हम आपको फर्दर जो है वो डिटेल बताएंगे। फिर ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो डायग्राम है, आपको नजर आ रहा है शायद, मैं दिखा पा रहा हूँ आपको जी, कि आपने दो एंगल में ना काम करना है, एक आपने कस्टमर्स बनाने हैं, ये कस्टमर आपको नजर आ रहा है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, आपने अपनी फैमिली में ऐसे लोग ले लेने हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम आपको गाइड करेंगे आपने इन हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करना है, और फिर ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, और ये जो कस्टमर है ये वो लोग हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सिर्फ सेहत चाहते हैं, उनकी आपने एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, और फिर उन लोगों की लिस्ट तैयार कर लेनी है जो इसमें बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों की आपने लिस्ट तैयार कर लेनी है, तो दो एंगल पे आपने ना काम स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारी फॉलो अप फाइल थी। तो इसके बाद फिर क्या है कि माशाल्लाह इंडिया से एक भाई हमारे ऑनलाइन है, ठीक है, पाकिस्तान से काफी सारे भाई ऑनलाइन है, तो इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, सवर भी ने आपको उस फॉर्म के बारे में डिटेल बताई, ठीक है, फॉर्म फिल करना है, और जो भी नज़दीकी ऑफिस है आपके शहर में उससे रजिस्टर्ड हो जाना है, और क्या करना है, आपको एक नंबर मिल जाएगा, सवर भी ने आपको बताया, आईडी नंबर मिल जाएगी, ये ग्लोबल आईडी होगी, पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो अब कोरोना ने क्या किया, आईटी की अहमियत को और ज्यादा उनको उजागर कर दिया, तो आपको सिखाएगा कौन, वो आपको आपकी अपलाइन सिखाएगी, एक एक चीज के बारे में आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी। तो अब कंट्रीज की बाउंड्रीज नहीं रही, मुल्कों की बाउंड्रीज नहीं रही, आईटी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, तमाम बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। तो अभी हम जूम के जरिए हम माशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, और अफजल भाई इस वक्त तुर्की से ऑनलाइन है, तो जूम ने इस टेक्नोलॉजी को आसान कर दिया। तो इस बिजनेस को आप पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां हमारी कंपनी के सेटअप है उन मुल्कों में आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं, और अपनी फैमिली को के लिए आप अच्छी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था, मैंने क्लोजिंग कर दी, अब मैं इच्छामी को मैं दावत दूंगा कि वो इसको मजीद जो है वो क्लोज करें, और रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लेता हूँ। तो हमारे बल्कि भाई है इंडिया से जो भाई ऑनलाइन हुए वो शेयरिंग कर ले, उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं जी। आप शेयरिंग करें भाई रंजन रंजन भाई आपको आज का सेशन कैसा लगा इंडिया से? माशाल्लाह आप ऑनलाइन बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा हमें जी। और मैं कुछ पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो चल रहे हैं वो इंडिया में भी उपलब्ध है या उधर ही है? इंडिया और पाकिस्तान के प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब इंडिया में ज्यादा प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में कम है, इंडिया में प्रोडक्ट काफी ज्यादा है। तो जो हमने मेन प्रोडक्ट बताई है ये सारी मेन प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, और इंडिया में इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो सेशन आपको अच्छा लगा, आपको आज समझ आई सारी बातें?
बहुत 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 समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझे हम। अच्छा चलिए समझाने का आप लोग का तरीका भी अलग है ना जी। आप किस प्रोफेशन से हैं, क्या काम करते हैं, अपना थोड़ा तारफ दे दे हमें। हाँ सर आज थोड़ा कट रहे हैं, बताइए आप किस शोबे से हैं, आपका क्या प्रोफेशन है और आप कहाँ रहते हैं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दे। जी सर मेरा घर हुआ बिहार। बिहार? अच्छा। बिहार में सर, हाँ बिहार में पटना, इंडिया में एक बिहार है, बिहार में पटना हुआ मेरा घर। मैं एक निजी सी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ ओनली फॉर आर्मी का, जो अभी मैं बागा बॉर्डर पे हूँ पंजाब में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलिए जी आपको वेलकम करते, तो हम क्लोज